हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसकी वैक्सीन को डेवलप करने में अभी कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के लिए रिसर्च करने में, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। तो इसके वैक्सीन और ट्रीटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको वायरस को समझना होगा कि वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करना इतना मुश्किल क्यों होता है। वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए या डीएनए होता है। दूसरा होता है एनवेलप, जो उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को कवर किए होता है, जो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। इन द केस ऑफ कोरोना वायरस या सार्स कोवी टू, इसमें एनवेलप से प्रोटीन स्पाइक्स निकली होती हैं, जिसके कारण इसका जो लुक होता है वो क्राउन की तरह होता है। इसी वजह से हम इसे कोरोना वायरस कहते हैं। ठीक है, तो वायरस जो है वो एक पैरासाइट है जो किसी भी हेल्दी सेल में इंटर करता है और उसकी मशीनरी को ऑक्यूपाई करके, उसको कंट्रोल करके अपना रिप्रोडक्शन करता है, और जब वो सेल डेड हो जाती है तो वो उसको छोड़ के दूसरी हेल्दी सेल में इंटर कर जाता है। वायरसेस की बहुत सारी वैरायटी हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। वायरसेस में म्यूटेशन की बहुत टेंडेंसी पाई जाती है कि ये बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं, अपने स्ट्रक्चर को, अपने जेनेटिक कॉम्बिनेशन को चेंज कर लेते हैं। इस वजह से वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ही जो है वो कॉम्प्लिकेटेड। अब जो वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है, इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसकी मेडिसिन को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इसमें एंटीबॉडीज़ या वैक्सीन, दूसरा है एंटीवायरल मेडिसिन, तीसरे है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। इस समय जितनी भी वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन को नष्ट करने के कॉन्सेप्ट पे, डिस्ट्रॉय करने के कॉन्सेप्ट पे बेस हैं। इस वैक्सीन से ऐसी एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो स्पाइक्स में प्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटीन को डैमेज कर देंगी, जो वायरस रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल। एंटीवायरल मेडिसिंस वो मेडिसिंस होती हैं जो वायरस को किल करती हैं या उनके रिप्रोडक्शन को चेक करती हैं। तीसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मेडिसिंस ऐसे मॉलिक्यूल्स को टारगेट करती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी सिम्टम नहीं आते हैं और पेशेंट को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट नोबल कोरोना वायरस का इलाज खोजने में लगे हैं, जो अब तक करीब 16,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुकी। कोशिश इस बात की है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई जाए, लेकिन इसमें अभी भी करीब 12 से 18 महीने का समय लगना तय है। चाइना, यूएस, यूरोप जैसे देशों ने कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। सभी देश इसमें सहयोग कर रहे हैं, पर ये देश इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कौन सबसे पहले इसकी वैक्सीन बनाकर इसे पेटेंट कराए और सारा का सारा मुनाफा और प्रसिद्धि अपने नाम कर ले, और अपने देश के लोगों को इस वैक्सीन को अवेलेबल कराएं। इस काम के लिए इन देशों ने कई बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से एग्रीमेंट किया है, पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये वैक्सीन बनने के बाद बाकी दुनिया को अवेलेबल कराने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा। तो देश इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं, उसमें पहला है चाइना। चाइना के करीब 1000 साइंटिस्ट इस काम में लगे हैं, और उसकी एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस इस वैक्सीन को बनाने के काम में लगी है, जिसने एक वैक्सीन डेवलप भी कर ली है, जिसके ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स ढूंढे जा रहे हैं। चाइना ने जर्मनी की कंपनी बायोनटेक को करीब $133.3 मिलियन ऑफर किए हैं, जो वैक्सीन डेवलप कर रही है। यूएस की कई कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में सबसे आगे चल रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के जर्मन फर्म क्योर वैक को अमरीका में वैक्सीन बनाने की अनुमति देने से इन लोगों को बहुत धक्का लगा है। यूरोपियन कमीशन ने करीब $85 मिलियन क्योर वैक में इन्वेस्ट किए हैं, ताकि वो वैक्सीन पर अपना अधिकार जमा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो वैक्सीन रिसर्च को फंडिंग करती है, यूरोप उसे फाइनेंस करता है। इसमें एक संगठन बना है जिसमें करीब 8 सदस्य हैं, जिनका वैक्सीन डेवलप होने के बाद उस पर बराबर का अधिकार होगा। कर लेते हैं इंडिया की।
तो इंडिया की एक फार्मा कंपनी सिप्ला, जिसने रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, फ्लू, एचआईवी की कई दवाएं पहले भी बनाई हैं और अब कोविड-19 के पेशेंट के लिए एक नई दवा लेकर आई है। कोविड-19 निमोनिया का ट्रीटमेंट करने के लिए एक ड्रग एक्टेमरा का ट्रायल स्टार्ट किया गया है, जिसके नतीजे अभी आना बाकी हैं। एक्टेमरा रोश की मेडिसिन है, जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। सिप्ला की रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस की पोर्टफोलियो बहुत अच्छी है। इसके प्रमोटर यूसुफ हमीद ने कहा है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस के लिए मेडिसिन की एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन सी दवा इसके ऊपर काम करेगी या कौन सा कॉम्बिनेशन इसके ऊपर काम करेगा, ये तो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। इस समय दो ऐसी प्रिवेंटिव वैक्सीन्स हैं जो बनने के बहुत करीब हैं, जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हेल्दी पर्सन को समय के लिए बचा सकती हैं। अगर कोरोना वायरस की सेकेंड जो स्ट्रीम्स आती है या फिर से ये सीजनल होता है, तो इसमें जो पहली वैक्सीन है वो है mRNA-1273 वैक्सीन। ये मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स द्वारा बनाई गई है और ये ह्यूमन ट्रायल की फेज़ में है। कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड मिलने के 42 दिन के अंदर अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना ने एक वैक्सीन बना ली। पहले चरण के ह्यूमन टेस्टिंग में ये प्रूव हो चुका है कि ये ह्यूमन में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में सक्षम है, लगभग एक साल में तैयार हो जाएगी। दूसरी वैक्सीन है AD5-nCoV, चाइना की कंपनी कैंसिनो द्वारा डेवलप की गई है। ये ह्यूमन ट्रायल की फेज़ में है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को वायरस से कंबाइन करके एक वैक्सीन बनाई गई है, जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में सहायक है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इसके ह्यूमन ट्रायल की परमिशन दे दी है। फर्म्स जैसे बायोनटेक, क्योरवैक वैक्सीन बनाने की प्री क्लिनिकल फेज़ में है, जो ह्यूमन ट्रायल से पहले की फेज़ होती है। अमेरिका की इनोविया भी वैक्सीन बनाने के ह्यूमन ट्रायल के फेज़ में है। सैफोनी फ्रांस, ईली लिली और जॉनसन एंड जॉनसन US, रोच स्विट्ज़रलैंड और टेकेडा जापान इस पर काम कर रही हैं। फीज़र और बायोनटेक एक साथ जुड़कर इस पर काम कर रही हैं, यानी सारी की सारी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन बनाई जाए। अब बात कर लेते हैं एंटीवायरल मेडिसिन की। तो एंटीवायरल मेडिसिन में हमारे पास कई ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं और इसका ट्रायल जारी है। नतीजे अभी आने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसमें पहली दवा है फेवीपाइरावीर। ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है जिसे कंपनी फ्यूजी फिल्म ने बनाया है और ये प्रीवियसली जो है वो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की गई है। जापान में करीब 340 कैंडिड पेशेंट पे इसका टेस्ट किया गया है और ये इफ़ेक्टिव और सेफ़ ट्रीटमेंट साबित हुआ है। दवा लेने के करीब 4 दिन के अंदर पेशेंट कोविड-19 निगेटिव हो गए। 91 पेशेंट के लंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ। जापानी डॉक्टर्स इसे माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर सीवियर पेशेंट पर ये कैसे काम करेगी अभी ये कंफर्म नहीं है। जापानी गवर्नमेंट ने इसके लार्ज स्केल यूज़ के लिए भी अलाउ नहीं किया है। दूसरी दवा है रेमडेसिविर। ये भी एक एंटीवायरल मेडिसिन है जिसे जीलेड साइंस कंपनी ने डेवलप किया है। ये भी अभी ह्यूमन ट्रायल स्टेज में है। दवा अमेरिकी कंपनी द्वारा इबोला से लड़ने के लिए बनाई गई थी। टेस्ट से ये साबित हुआ है कि ये कोरोना वायरस के रिप्रोडक्शन को रोकती है। इसके टेस्ट करीब 1000 कोविड-19 मरीजों पर पूरी दुनिया में किए गए हैं, जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। रिजल्ट करीब अप्रैल लास्ट तक आ जाने की संभावना है। तीसरी दवा है इंटरफेरॉन α2b। ये भी एक एंटीवायरल मेडिसिन है। इसे चेंजेबर कंपनी ने डेवलप किया है। प्रीवियसली इसे जो है डेंगू और मेनिनजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया था। ये दवा 1981 में क्यूबा में डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई थी, जिसमें मॉडिफिकेशन के बाद इसे डिफरेंट वायरल डिजीज़ के लिए यूज़ किया गया। ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए चाइना द्वारा अप्रूव्ड है। थी मेडिसिन है क्लोरोक्विन। ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है जिसे अब तक मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। ये दवा 1934 में वायरसेस को हेल्दी सेल्स में जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। ये सस्ती और सुरक्षित मेडिसिन है। भारत में इसका काफ़ी स्टॉक भी मौजूद है। ये कोविड-19 को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। अभी इसके ट्रायल के रिजल्ट नहीं आए। अब बात कर लेते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन में पहली मेडिसिन है एक्टेमरा,
ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, रोज़दारा और डेवलप की गई है। पहले प्रीवियसली इसका जो यूज़ है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता था। स्विस कंपनी द्वारा बनाई गई ये दवा इंटरल्यूकिन 6 के रिसेप्टर को कवर कर देती है जो इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को शुरू करता है। ये दवा चाइना ने COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव कर दी है। USFDA ने 303 COVID-19 पेशेंट पे स्टेज 2 के लिए इसे सेफली चेक करने के लिए ट्रायल की परमिशन दे दी है। दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है केवजारा। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जिसे रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स और सैफोनी ने बनाया है। पहले इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता था। अमेरिका और फ्रांस बेस्ड कंपनी ने 400 COVID-19 पेशेंट के ऊपर फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल किया है जिसके नतीजे अभी आना बाकी। IBM समिट जो वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसकी मदद से कोरोना वायरस में प्रेजेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया गया है। इन कंपाउंड्स के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए समिट ने करीब 8,000 एंटी कंपाउंड्स बताए हैं जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है कि ये कंपाउंड किस तरीके से इस वायरस के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे और इनका ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स होगा। इसके अभी रिजल्ट्स आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हम इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस महामारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल और डिटेल्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इस महामारी से बचने के लिए जो गवर्नमेंट सारे रूल्स अप्लाई कर रही है, जो उसने लॉकडाउन किया है, उसका पालन कीजिए। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।